4400 रुपये सूखे हुए माल का जो आज का भाव और 5 क्विंटल पैदा होता है, इस हिसाब से 20,000 की सोयाबीन हो रही है प्रति एकड़। और अगर हम लागत की बात करें जो कि हमारे पास टेस्टेड लागत है, ऐसा नहीं कि हमने हमारे आधार पर बनाई है, ये लागत जो है इसमें 25,000 रुपये हमें लाग लग रही है, मतलब 5,000 रुपये किसान घर से दे रहा है। ये सोचने वाली बात है। कोई भी व्यक्ति आप ऐसा बता दीजिए या ऐसा कोई कारोबार बता दीजिए जिसके अंदर 5,000 को घर से दे रहा हो। इतनी बुरी स्थिति आ चुकी है कि किसानों को सामने आना पड़ रहा है, जबकि ये प्रशासन का कार्य है, इसमें समझना चाहिए। जबकि उन्हें लागत पता है कि कितनी लग रही है, उसके बाद भी अगर हर साल अनदेखा किया जाएगा तो कब तक किसान सहेगा। इसलिए हम सब एकत्रित हुए कि यहाँ पर हमारा हक रखा जाए, और अगर ये हक नहीं माना जाता है तो हमसे जितना बन सकेगा हम उस स्तर तक जाएंगे। क्योंकि अब किसान एकता जो है वो आपको सामने दिख रही है, इसमें ना तो किसी को ये बताया गया है कि आपको यहाँ आना है, ना किसी को ये बोला गया है कि आप चलो, ये सब अपने आप से एकत्रित हुए। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हाल कितने बुरे हो चुके हैं। इस बात को समझिए, हम कह रहे हैं प्रशासन से कि आप हमें अगर अनदेखा करेंगे तो आपके लिए स्थिति गड़बड़ होने लगेगी। कैसे होने लगेगी कि अगर किसान मंडी में नहीं जाएगा तो भाव कैसे होगा, किसान अगर मंडी को बंद करेगा तो आपके आगे के सामान जितने भी प्रोसेस है वो रुक जाएंगे। इसलिए हमारे साथ आप कोऑपरेट करें तो हम भी आपके साथ करेंगे। पर हमारी एक ही मांग है कि सोयाबीन का भाव होना चाहिए 6,000, क्या होना चाहिए 6,000। जय जवान, जय किसान।